2019 लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने बचे हैं। सभी विपक्षी दल 2019 लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव मोदी वर्सेस ऑल होने वाला है, यानी मोदी के खिलाफ एनडीए गठबंधन में शामिल दल को छोड़ बाकी सारे दल एकजुट होंगे। मोदी विरोधी पार्टियां अभी से ही ये दावा कर रही है कि अगले आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में होता यही है कि सत्ता की कुंजी उसी को मिलती है जिसे जनता चाहती है, और जनता तभी किसी को चाहती है जब उसे लगता है कि सरकार उसके लिए काम कर रही है। पिछले 4 साल से ज्यादा के कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई जनहितकारी योजनाएं लाई जिसका फायदा देश की आधी आबादी से ज्यादा को मिला है। एक सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार की 7 विभिन्न योजनाओं का लाभ देश के लगभग 81.75 करोड़ लोगों को मिला है या मिलने वाला है, और इससे आगामी लोकसभा चुनाव में लगभग 64.5 करोड़ वोटर्स मोदी के समर्थन में वोट कर सकते हैं। मोदी सरकार की जनहितकारी योजनाओं में से एक है उज्ज्वला योजना, जिसका लाभ फिलहाल 5.5 करोड़ लोगों को मिला है। सरकार का लक्ष्य इस योजना को 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का है। मोदी सरकार की दूसरी जनहितकारी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना को 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 1 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत मकान मिल चुका है। मोदी सरकार की तीसरी जनहितकारी योजना है घर घर बिजली पहुंचाने वाली सौभाग्य योजना। इस योजना के तहत अब तक 2.25 करोड़ परिवारों के घर बिजली पहुंचाया जा चुका है। इस योजना के तहत 4.5 करोड़ परिवारों के घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार की चौथी जनहितकारी योजना है मुद्रा योजना। इस योजना के तहत 13 करोड़ लोगों को सशक्त बनाने के लिए मुद्रा लोन दिया गया। इस योजना के लिए 13 करोड़ लोगों को टारगेट किया गया था। मोदी सरकार की 5वीं जनहितकारी योजना है इंद्रधनुष योजना। इस योजना का लाभ देश की कुल 18 करोड़ बच्चे व महिलाओं को मिला है, जबकि इस योजना के लिए 9 करोड़ लोगों को ही चिन्हित किया गया था। मोदी सरकार की 6ठी जनहितकारी योजना है आयुष्मान भारत। इस योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी मोदी सरकार दे रही है। इस योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जाएगा। और मोदी सरकार की 7वीं जनहितकारी योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना का लाभ भी देश के 32 करोड़ परिवारों को मिला है। इस योजना के लिए भी महज 16 करोड़ लोगों को चिन्हित किया गया था। ये 7 योजनाएं हैं जो पीएम मोदी के लिए अगले लोकसभा चुनाव में ब्रह्मास्त्र का काम करेगी और विरोधी खेमे पर भारी पड़ने वाली है।